शायद ये रिव्यू कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को ये रिव्यू पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि यार जैसी मेरी सोच है या फिर जो मैं चीज़ें पसंद करता हूँ उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं रिव्यू करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं रिव्यू को। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यारा मूवी के बारे में, जिसे G5 पर रिलीज़ किया गया। ये कहूँगा कि करीबन 2 घंटे 10 मिनट तक की एक मूवी है। इसे डायरेक्ट किया तिग्मांशु धूलिया ने, आई थिंक प्रोनंसिएशन मैंने सही किया। इसके अंदर कास्ट है श्रुति हसन, विदु जामवाल, अमित साध, विजय वर्मा, कैनी कैनी बासुमत्री, आई थिंक मैंने इनका नाम सही से लिया हो। तो कहानी पर आते हैं, चार दोस्त है, एक है फागु जिसे प्ले किया विद्यु जामवाल ने, एक है मितवा जिसे प्ले किया है अमित साध ने, एक है रिजवान जिसे प्ले किया है विजय वर्मा ने, मुझे ये करेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और एक है बहादुर जिसे प्ले किया है कैनी बासुमत्री, आई थिंक मैंने इनका नाम फिर से सही से लिया हो। यार देख लेना यार, जो भी है गलती होगी तो माफ़ करना। 1977 के टाइम की मूवी दिखाई गई है। मितवा जो है उसको पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि उसका नाम कुछ लोग ले देते हैं कि इसी ने हथियार सप्लाई किए थे, या कुछ कुछ लोगों के नाम, कुछ लोग उसका नाम ले देते हैं कि ये क्राइम में शामिल था इस कारण। और इधर जो इसके तीन दोस्त हैं फागुन, बहादुर और रिजवान, ये तीनों हैं अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो चुके हैं, मतलब ये बहुत आगे की एकदम से स्टोरी दिखाई गई है। और ये तीनों जो हैं बहुत कामयाब हो चुके हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। और जब इनको पता चलता है कि इनके दोस्त को मितवा जो है उनसे 20 साल से नहीं मिला है, उसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो ये तीनों मिलके उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं कि भी प्लान बनाते हैं, कोशिश तो बाद में करते हैं, पहले तो प्लान बनाते हैं कि अब इसको मितवा को बचाया जाए। फिर जब ये प्लानिंग के दौरान चीज़ें चल रही हैं, तो साथ ही साथ इन टुकड़ों ही टुकड़ों में फ्लैशबैक में इनकी दोस्ती कैसे हुई, इनकी जो गैंग का नाम वो चौकड़ी गैंग कैसे पड़ा, तो ये सब चीज़ें हमें फ्लैशबैक में चीज़ें चलती हुई दिखती हैं। और इसमें एक लव स्टोरी का जो एंगल दिया गया है, फागुन और उसकी वाइफ जो है सुकन्या यानी जिसे प्ले किया श्रुति हसन ने, सारी इनकी जो लव स्टोरी है वो भी फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलती है। और मुझे हंसी सबसे ज़्यादा इस मूवी में तब आती है जब इसमें कम्युनिस्ट वालों का एक तरीके से एजेंडा इसमें दिखाया जाता है। मेरे को यार सच में समझ नहीं आता क्या सोचकर ये कम्युनिज्म को इतना प्रमोट करने में लगे हुए हैं। क्या इनको सच में नहीं पता कि भारत में क्या आइडियोलॉजी चलती है, किस प्रकार की गवर्नमेंट है, या जब से आज़ाद हुए हैं कब से तब से हमारे देश में किस तरीके की आइडियोलॉजी अपनाई गई है। बिना सोचे समझे मैंने एक वीडियो में अपनी बात कही थी कि मूर्ख अगर अपना मुंह बंद रखे तब उसको सभी लोग समझदार समझते हैं, जैसे वो अपना मुंह खोलना स्टार्ट करता तब उसकी औकात और असलियत का पता चल जाता है कि वो है क्या। कुछ ऐसा ही इनके साथ है यार, क्या ज़रूरत थी ये कम्युनिज्म वाला उनका झंडा दिखाने की, कम्युनिस्ट चीज़ों को दिखाने की, नक्सलवाद दिखाने की। यार एक साफ सुथरी मूवी क्यों नहीं बना सकते, क्यों बिना प्रोपोगेंडा के कोई मूवी नहीं बन सकती यार, एक टोटल एंटरटेनमेंट के तौर पे तो मूवी बनाते ना। तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़, या मैं कहूँगा जिस पे सबसे ज़्यादा मुझे हंसी आई, वो ये कम्युनिस्ट को लेकर जो इसमें एक तरीके से इसका प्रचार करके करते हुए दिखाया गया। अब काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उन तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो वो यही सोचेंगे यार क्या था, एक मूवी तो थी, एक एंटरटेनमेंट के तौर पे दिखा दी होगी। तो बावले मतलब छोड़ो छोड़ो, तो मैं एक बात कहूँगा प्यारे बच्चों कि ये जो सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का नाम सुन रखा है, सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का मतलब होता है कि मूवीज़ या फिर कुछ एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें होती हैं उसके माध्यम से आपके दिमाग में थोड़ा 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 करके जहर घोला जाए। आज आपको नहीं पता कि आज आपके दिमाग में क्या डाला गया है, बट एक चीज़ जो है वो आपके दिमाग में ये डाल दी जाती है कि गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होना है, देश के खिलाफ खड़ा होना है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो फिर आपको लगता है कि हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मूवीज़ ने आपको सिखा दिया कि गवर्नमेंट आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं चलती, क्योंकि मूवीज़ आपको बता देती हैं। तो ये जो चीज़ें गलत फहमी जो हैं, ये मूवीज़ धीरे 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 आपके मन में ये जहर घोलना स्टार्ट करती है। और कब आप देश के विरुद्ध बोलना शुरू करते हो, कब आप एक रिलीजन के खिलाफ बोलना शुरू करते हो, कब गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं बिना उसके पीछे का बैकग्राउंड जाने, किस चीज़ को वो अफेक्ट करने वाली हैं, किस चीज़ के लिए वो नेगेटिव हैं, तो वो बिना कुछ जाने बस बोलना शुरू कर देते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरे अकॉर्डिंग, देखो यार मैंने जितनी मूवीज़ देखी हैं या जितनी सीरीज़ देखी हैं, तो मैं साफ तौर पे इनको बहुत ज़्यादा ब्लेम करता हूँ। ये जो मीडिया है, इंडियन मीडिया, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे ये बॉलीवुड हो, यार बॉलीवुड का
इतनी घटिया ये मूवीज, खासकर लव के ऊपर तो इतनी घटिया प्रोपोगेंडा ये चलाते हैं। बस इन्होंने आज की डेट में बहुत सारे लोगों को, यंग लोगों को जो अपना आइडल मानते हैं, पता नहीं इन बॉलीवुड वालों को पता नहीं क्या सोच के अपना आइडल मानते हैं, बहुत सारे इन बॉलीवुड ने बहुत सारे इन लोगों को एक तरीके से नास्तिक बना के रख दिया। हम किसी भी उनको धर्म से विश्वास उठाते चले जा रहे हैं। अब यार मैं इतना गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, बट एक चीज़ थोड़ा सोच समझ कर देखो यार, अगर आप बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ें दिखाना शुरू करते हो, आपने उसको बचपन में कुछ अच्छी शिक्षा देने के लिए एक नॉलेज के मतलब एक नॉलेज की जो यूट्यूब पे कुछ एक चैनल है, वो आपने उसको सपोज ए बी सी डी की चीज़ें सिखानी शुरू करी, वो कुछ टाइम बाद वो ए बी सी डी वो चीज़ें हैं वो उसको याद हो जाएंगी। यार एक बच्चे से ही सीख लो कि वो चीज़ों को ग्रैप कैसे करते हैं। आप जो भी चीज़ देखते हो डेफिनेटली आपके माइंड के ऊपर उस चीज़ का असर पड़ता है। तो ये जब आप कचरा देखोगे तो कचरे का अफेक्ट आपके दिमाग पे जरूर पड़ेगा, जो भी इसके अंदर दिखाया जा रहा है। तो यार मुझे लगता है कि बिना प्रोपोगेंडा के मूवीज या सीरीज बननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एंटरटेनमेंट करवाना चाहते हो तो एंटरटेनमेंट के तौर पे ही आओ ना यार। कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो इस चीज़ को यहीं बंद करते हैं, तो इसकी कहानी पर वापस आ जाते हैं। तो जब से ज़्यादा मुझे इसके अंदर पसंद जो चीज़ आई वो थी इन चारों की जो दोस्ती है। एक टाइम ऐसा इसके अंदर दिखाया गया कि मुझे बहुत ज़्यादा भावुक मैं हो गया था ये देखते हुए। मैं नहीं बता सकता, शायद क्या पता वो चीज़ बताने से स्पॉइलर है या नहीं है, मतलब जब दोस्त अलग हो रहे हैं वहाँ पे, जब वो मतलब चलो बता ही देता हूँ, एक दोस्त की जो है वहाँ पे डेथ हो जाती है, तो उस डेथ को लेकर कैसे वो भावुक हो रहे हैं, कैसे इमोशनल हो रहे हैं, वो सब चीज़ें देख कर मैं खुद इमोशनल हो गया था यार। एक साथ रहने वाले, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, वो चारों एक साथ खड़े हैं, उनको मरने से डर नहीं है क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ खड़े हैं। इवन अपने दोस्त के कोई उसको मारने आ रहा है तो उसके बीच में आके खड़े हो गए कि उसको मत मारो। और दूसरी चीज़ मुझे इसके अंदर जो चीज़ लगी बहुत अच्छी वो थी इसमें परफॉर्मेंस जो थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और नेगेटिव चीज़ में ये थी कि यार मूवी मुझे स्लो लगी, मुझे इसके गाने पसंद नहीं आए। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी अगर ये बिना किसी प्रोपोगेंडा के होती। पता नहीं क्या सोच के लोग ये प्रोपोगेंडा यार चला देते हो यार। यार इतना ही शौक है तो यार यूट्यूब पे सिंपल एक अपनी वीडियो अपलोड कर दिया करो यार, कम से कम ये 2 घंटे तो बर्बाद ना करने पड़े एक प्रोपोगेंडा देखने के लिए। मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे देखते यार, बट मैं बहुत चीज़ें एंगल से देखने पसंद करता हूँ कि यार इस चीज़ का किसी के ऊपर अफेक्ट कैसे पड़ने वाला है। डेफिनेटली इस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है, धीरे धीरे चीज़ों का अफेक्ट एक इंसान पर पड़ता ही पड़ता है। वो मूवीज़ देखकर नास्तिक बनता है, उसको लगता है कि जो मंदिर में होता है वो सब बकवास चीज़ें हैं, वो अपने मन में वो कुछ मूवीज़ के थ्रू अपने माइंड में ऐसे कन्वर्ट कर लेता है कि हाँ वो सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ, ऐसे जो दान दिया जा रहा है वो व्यर्थ जा रहा है। वो कभी उसमें जाकर नहीं देखता उस दान का क्या होता है, क्या एक्चुअल में वहाँ चीज़ें होती हैं, वो उसके बारे में वो नहीं देखता। बट उसने मूवीज़ में ऐसी चीज़ें दिखा दी गई तो वो अपने आप को बस यही सोच के बैठा है कि हाँ एक्चुअल में ऐसे होता है। तो भाई सोच समझ के मूवीज़ को देखा करो, अगर देख ही रहे हो ऐसी प्रोपोगंडा वाली मूवी तो एक बार खुद से एक आंख बंद करके सोचो कि जो वो चीज़ दिखाई गई क्या वो सही थी या नहीं। और इस कम्युनिस्टम के ऊपर तो एक ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है, द फर्स्ट दे किल माई फादर, इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ। तो इसमें देखना कि कम्युनिस्ट वालों ने क्या किया था, कंबोडिया में कितने लाखों लोगों को, 20 लाख लोगों को इन्हें कम्युनिस्ट वालों ने मार दिया था। तो एक्चुअल जो हकीकत है वो कम्युनिस्ट की ये दिखाएंगे नहीं। बट खैर मैं इसको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, यहीं स्टॉप करता हूँ। मेरी तरफ से इस सीरीज़ को मैं देना इस सीरीज़ नहीं इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार। प्रोपोगेंडा की नहीं होती तो शायद मैं इसको थोड़े और नंबर देना पसंद करता, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट के तौर पे मुझे मूवी बहुत पसंद आती है, बट प्रोपोगेंडा वाली बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने देख लिया मूवी तो मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। हाँ काफ़ी लोगों को ये हर्ट करने वाली है क्योंकि यार तूने हमारी मूवी की, इतनी पसंदीदा मूवी की, कैसे बुराई कर दी, ये नेपोटिज्म के खिलाफ है। कुछ लोग तो इसको नेपोटिज्म के ऊपर ले आते हैं, यार कहाँ से नेपोटिज्म आ जाता है यार, जो चीज़ अच्छी है तो उसको अच्छा बोलो, जो चीज़ बुरी है तो उसको बुरा बोलो। भले ही गालियाँ पड़ें, मुझे बहुत वैसे ही भी पड़ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आपके सामने रिव्यू है, आपके पास अपना दिमाग है, यूज़ करिए उस चीज़ को, और देखना चाहे तो देखें, नहीं देखना चाहे तो आपकी इच्छा है, सो जाइए। यार बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।